दोस्तों स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। देखिए आज हम आ गए हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं है, हमने आपसे वादा किया था कि 300 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम आपके लिए लाएंगे कुछ नया। और ये देखिए फ्लिपकार्ट ने और आई थिंक मेरे ख्याल से भगवान ने भी हमारी ये सुन ली। आखिरकार हमारे पास आ गया है रियलमी 2 प्रो और उसके साथ साथ हम एक स्पेशल फोन के लिए एक स्पेशल अनबॉक्सर एक स्पेशल गैजेट स्पेशलिस्ट को लेकर आ रहे हैं और ये है हमारे ऋषभ भाई। तो बिकॉज अभी ये थोड़े से शाई हैं तो ये अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत जल्दी नोकिया 6.1 प्लस और रियलमी 2 प्रो की जब टक्कर होगी आगे आने वाली वीडियोस में तब ये जरूर हमारे सामने आएंगे। इसलिए हम ये चाकू इनको देते हुए, बहुत ही स्ट्रांग चाकू स्पेशली वो चाइना से मंगवाया है और ये जाता हुआ एक्चुअली हमने पहले खोल लिया था और अब एक बार यहां पे लास्ट में हम इसको कट कर रहे हैं। और ये रियलमी 2 प्रो बहुत ही जबरदस्त चाकू, इससे वो तगड़ी पैकेजिंग आज तक नहीं देखी हमने किसी की। ओह माय गॉड। और हम एक बार यहां पे खोल के दिखा देते हैं। बाय द वे इस फोन के लिए मैंने और ऋषभ भाई ने कितने पंगे लिए हम ही जानते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी इस फोन के लिए, आप इतना ओपन वो करते रहिए, इससे पहले हमने स्टार्टिंग की थी रियलमी 2 से कि हमें रियलमी 2 लेना। और आई थिंक मेरे ख्याल से 12 बजते ही जैसे वो दोपहर के होते थे हम लोग भागते थे फटाफट ब्रॉडबैंड इंटरनेट। मतलब सोचो हमने ये दिन आ गए कि हमने बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई कर दिया था इसके लिए, खैर वो हमको मिला नहीं। और आज जब ये मिला रात को 11 बजे सेल पर जो हम आए थे तो हमको जो देखने को मिला उसको देखकर हम लोग हैरान रह गए हैं। और ये देखिए यहां पे एक एक्सटर्नल इनपुट आता हुआ ताकि हम आपको बैकग्राउंड को बिल्कुल साफ वो तरीके से वो दिखा सके। ये है रियलमी 2 प्रो का बॉक्स और बॉक्स को मैं आपको एक बार वो कंटेंट मैं दिखा देता हूं। बिल एक बार मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये हमें पड़ा है 12,848.20% इसका प्राइस है। ये भारत सरकार की जीएसटी, ये हरियाणा की सीजीएसटी, 14,390 का हमें पड़ा है। और साथ में हमने 149 का जो बायबैक गारंटी था वो हमें 99 का भी पड़ गया है। और अब बात करते हैं इस बॉक्स की। बॉक्स देखिए यहाँ पे रियलमी 2 प्रो, यहाँ पे आपके सारे स्पेसिफिकेशन हैं। मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये थी कि इसकी जो स्टार रेटिंग है वो है बहुत ही बढ़िया है, 0.83 है ये बॉडी के लिए। 6GB रैम 64GB रोम का ये जो वेरिएंट है। और यहाँ पे एक चीज शायद हम लोगों को थोड़ा सा निराश कर दे, 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर यानी कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट अभी भी रियलमी 2 में नहीं आ रहा है। ब्लू ओशियन कलर, एक्चुअली हुआ ये था कि रात को 12 बजे जैसे सेल शुरू हुई तब हमने कोशिश की कि हमारे पास 8GB का वेरिएंट आ जाए, लेकिन वो तो 12:01 पे ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। और फिर हमने किसी तरह 6GB के ये वेरिएंट को लिया। और आखिरकार ये फोन हमें इतना पसंद क्यों है, फोन इतना पसंद क्यों है, उसको जानने के लिए एक बार फोन को ओपन करना पड़ेगा। और चलिए हम शुरुआत करते हैं फोन के ओपनिंग की। ओपनिंग के लिए अगर हम यहां पे देखें तो आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट यहां पे वो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हमारा स्पेसिफिक जो चाकू है वो काम नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट फोन को ओपन करते हैं। और बहुत ही मजबूत पैकेजिंग है, इतनी मजबूत ये पैकेजिंग है कि प्लास्टिक के इससे भी खोली जा सकती है। और ये लीजिए अब हमने इसको ओपन वो कर दिया है ताकि रिफ्लेक्शन ना आए, इसलिए थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे वो कम करें। यहां पे इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं और वो ये है कि आपके पास एक फोन मिलता है, एक चार्जर, एक यूएसबी और डेटा केबल, एक सिम इजेक्टर टूल, एक सेफ्टी गाइड, एक क्विक गाइड और एक प्रोटेक्टिव केस। रियलमी 2 प्रो के लिए स्क्रीन साइज है 16 सेंटीमीटर यानी कि 6.3 इंच, 3500 mAh की बैटरी है, थोड़ी कम है लेकिन देखते हैं आगे कुछ ना कुछ रियलमी 2 ने इसके लिए कुछ ना कुछ वो कर रखा होगा रियलमी वालों ने। और 16 MP का रियर कैमरा प्लस 2 MP का कैमरा यहां पे वो दिया हुआ है। फ्रंट में 16 MP का फ्रंट कैमरा है आपके सेल्फीज के लिए। 174 kg का वेट है। और चलिए फटाफट देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स के अंदर के लिए हम ऋषभ भाई को कहेंगे कि एक बार इसको लिफ्टअप करें और ये धीरे धीरे करके फोन हाथों में आता हुआ, लेट दिस मोमेंट बी द मैजिकल वन। ओ माय गॉड, ये देखिए सबसे पहली जबरदस्त चीज रियलमी 1 का ये केस। और इसके अंदर आपको मिलता है फोन के साथ साथ, इस केस के साथ साथ ये एक छोटा सा कवर, ये चार्जिंग केबल और साथ ही साथ ये आपका पावर ब्रिक। पावर ब्रिक को अगर मैं चेक करता हूं यहां पे कहीं मुझे अगर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाए तो मैं यहां पे आपको देख के बता दूंगा। आई एम सॉरी इट इज नॉट एबल टू ऑटो फोकस, तो मैं आपको इसकी फोटोज वगैरह मैं आपको डाल दूंगा मैं साइड में। और अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो ये देखिए यहां पर आपको देखने को मिल जाता है स्विचिंग पावर सप्लाई मॉडल वगैरह है, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का मेड इन चाइना। और एक चीज खास ये याद रखिएगा ये ओप्पो ब्रांड का है। तो चलिए फटाफट इस फोन को देखते हैं और ये देखते हैं कि इस प्रोटेक्टिव केस के अंदर ऐसा क्या है हमारे पास।
प्रोटेक्टिव केस आपका बहुत ही नॉर्मल केस है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये है फोन के बाकी वो कंटेंट, तो चलिए एक बार फोन को फटाफट ये बूट अप करते हैं, देखते हैं कि फोन दिखता कैसा है। तो दोस्तों रुकावट के लिए खेत चाहते हैं, दरअसल रॉकी आ गया था और कल वो मेरा कैमरा मुंह में दबा के भाग गया था, सो आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क, इसलिए पहले हमने रॉकी जी से हाथ जोड़े, पैर पकड़े, उसके इसको बाहर भेजा और फिर अब हम आ गए यहाँ पे दोबारा। तो ये तो फोन के नीचे एक नॉर्मल था, वो कवर सा लगा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे आपको मिला था ये प्रोटेक्टिव केस, सिलिकॉन बेस्ड केस है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये रियलमी की ब्रांडिंग है वगैरह वगैरह यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है। जो काम की चीज है वो ये है बापू मोशाय, इस एक पिन के चक्कर में मुझे पेटीएम से 152 रुपए की पूरी सिम इजेक्टर किट मंगवानी पड़ी, मंगवाई थी सिम इजेक्टर किट, भाई साहब उन्होंने क्या भेजा, नाड़ा, मतलब शर्म आती है यार, लेकिन क्या करें, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो अब ये है आपकी मेन बॉडी फोन की, और अब एक बार फटाफट इसको ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार क्या है इस फोन में। तो यहां पे आपका फोन का अगर मैं ये कवर उतारता हूं, दैट इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, मैं ये ओनर को देता हूं क्योंकि ये इनका है, तो ये उतारेंगे आप एक बार इसको, ये हाँ बिल्कुल पील आउट कीजिएगा, आहा क्या फीलिंग है। और सबसे खास बात जो मुझे इस फोन की लगती है वो है इसका कलर। रियलमी 2 में और ऋषभ भाई हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हमको रेड कलर भी मिले, नहीं मिला। रियलमी 2 प्रो के लिए आई थिंक सबसे पहले जब रात को सेल शुरू हुई तो ब्लैक, मतलब ये था हमारा कि अगर कुछ नहीं आया तो ब्लैक ले लेंगे, बट फॉर्चुनेटली ये आया था। और मैं सही बता रहा हूं, इस कलर को लेके मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कोई भी गलती की है। और सबसे खास चीज इस फोन की अगर मैं एस्थेटिक्स की बात करूं तो ये तो चलिए हर जगह होता है, सबसे खास बात है जो पीछे जो एक कहते ना एक मखमली एहसास वाली जो ये फीलिंग है ये आपको दिखती है, काफी शाइनी है, ब्राइट है और एक नया लुक देती है। बिकॉज ब्लैक कलर में देखिए मुझे ग्लॉसी ब्लैक मुझे हमेशा से पसंद आया, लेकिन ये जो चीज मुझे उसमें जबरदस्त लगी है शायद यही है कि रियलमी का जो फॉर्म फैक्टर वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सबसे बड़ी बात भाई, इसको कैसे हमने ये मिस आउट कर दिया, ये टीके वाली नॉच, ये जो आपकी वाटर ड्रॉप नॉच है यहाँ पे, ये आपकी मदद करती है आपके इस फोन को दूसरों से अलग दिखाने के लिए। सबसे जबरदस्त फोन है, और सबसे खास बात यहाँ पे जो पीछे जो आपका फिंगरप्रिंट वो सेंसर आपको दिया हुआ है, ये आपको और भी बेहतरीन फीचर्स देता है रियलमी 2 के मुकाबले। रियलमी 2 में प्रॉब्लम ये थी कि मतलब रियलमी 1 मैंने अपने ये भाई को वो दिया हुआ था, उसमें नॉच नहीं थी और फिर फिंगरप्रिंट वो सेंसर नहीं था, तो उन्होंने फेस अनलॉक दे दिया। रियलमी 2 में उन्होंने फिंगरप्रिंट वो सेंसर भी दे दिया और फेस अनलॉक भी दे दिया, लेकिन नॉच थोड़ी सी वो चौड़े वाली थी, वही वाली जो आजकल गूगल 3 पिक्सल पे आ रही है, वैसे गूगल 3 पिक्सल की उससे वो ज्यादा बड़ी है। लेकिन यहां पे जो वाटर ड्रॉप नॉच है ये मुझे सबसे बड़ी इसकी खासियत लगी है कि इसने सीधा सीधा भाई साहब इसने बैंड बजा दी है वीवो की। वीवो अपनी वाटर ड्रॉप नॉच के लिए बड़ा उछल रहा था, वीवो बोलता थारी ऐसी की तैसी। और अब यहां पे देखते हैं इस फोन में, अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे आपको ये बटन मिल जाता है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, और यहां पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर मैं यहां पे जाता हूं तो यहां पे मुझे मिलता है वॉल्यूम डाउन और ये वॉल्यूम अप करने के लिए बटन, और यहां पे मुझे मिल जाता है सिम इजेक्टर जो पिन है इसका इस्तेमाल करने का एरिया या इसका कार्य क्षेत्र। तो एक बार अगर मैं यहां पे थोड़ा सा मैं ये पुशअप कर देता हूं और ये देखिए द बेस्ट फीलिंग। यहां पे जो सबसे खास बात लगी है रियलमी क्यों अब आगे वो जा सकता है वो ये है, रेडमी को तोड़ने के लिए उसने एक बहुत सी चीज है कि हम दोनों सिम के लिए सपोर्ट देंगे और मेमोरी कार्ड के लिए भी ये सपोर्ट देंगे। और सबसे खास बात जो कि रियलमी 1 से ही इन लोगों ने स्टार्ट कर रखी है वो ये है कि ड्यूल 4G वो सपोर्ट है इनके पास, तो ये चीज बहुत ही अच्छी है और हर वो कंपनी को इसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप हर किसी के पास एक ये प्राइमरी सिम और एक सेकेंडरी सिम है थैंक्स टू जियो एंड ऑल, वो नेट के लिए लोग अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए अलग। तो चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और एक बार इसमें इसको ये फिट करके देखते हैं। और मेरे हिसाब से आपके लिए इस पर्टिकुलर फोन को केस में रखना जरूरी क्यों है, हाँ मे भी हो सकता है कि आप थोड़ा इसके लिए प्रोटेक्टिव हो, लेकिन आपको ऑलरेडी गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि जो इसका जो बैक है वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, मतलब खूबसूरत है लेकिन जैसे चांद में दाग लगते हैं वैसे इसके पीछे भी दाग लग जाते हैं, लेकिन दाग अच्छे होते हैं पर ये थोड़ा सा आपको एक यार वही बात है ना, लुक भी चाहिए दाग भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा अगर आप पीछे अगर बैक पे ये कवर रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा।
और आप फटाफट इसको बूट अप कर लेते हैं। आपका Realme 2 Pro आपका आता है Android 8.1 आउट ऑफ बॉक्स से और साथ में कलर OS 5.2 है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है इसकी वो कलर OS की, वो ये है कि फास्ट चार्जिंग ना भी होने के बावजूद ये बहुत ही जबरदस्त एहसास देता है एज अ यूजर आपको। क्योंकि देखिए ओप्पो का एक सब्सिडियरी ब्रांड है तो कुछ ना कुछ तो ओप्पो का ये लेके आएगा। और यहां पे हम लैंग्वेज फटाफट सेलेक्ट करते हैं, वो कंटिन्यू कर देते हैं इंग्लिश में। और अरे अच्छा ठीक है, ये जो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड था ये थैंक्स टू आपका रियलमी 2 की सेल्स, जो कि हम लोग कभी नहीं वो कर पाए और उस वजह से ये हमको ये लगवाना पड़ा। तो अभी हम इसको जस्ट ऐसे एक बार ऑन करके वो देख लेते हैं विदाउट एनी अकाउंट एंड ऑल। स्किप कर देते हैं इसको और बाद में देखेंगे। ये काम करते हैं फिंगरप्रिंट फेस एंड ये पासकोड हम एक बार वो ट्राई कर लेते हैं क्या होता है। पासकोड मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 ओके, तो हमने इसको यूज कर लिया 1 2 3 4 5 6। और अब एक बार ये देखते हैं कि फिंगरप्रिंट इसको ऐड करना कितना आसान है। सबसे खास बात ये कि अगर आपका हाथ बड़ा भी है तो भी आप ये फिंगरप्रिंट पे आपकी आराम से उंगली आ सकती है। तो देखिए बहुत ही फास्टली हो रहा है और बहुत सही चीज है। और अब जो होल्डिंग पोजीशन है अब हमको उसमें रखना पड़ेगा। ये इसलिए कि वो कहीं लोग ऐसे लगाते हैं, कहीं लोग ऐसे लगाते हैं, कहीं लोग ऐसे लगाते हैं, कहीं ऐसे, तो ये उसको चेक करने के लिए है। और ये देखिए अगर हम इसको एच पे लगाएंगे तो खास बात ये होगी, ये प्लेस किया इसको उठाया, ये प्लेस किया ये इसको उठाया। और ये इसलिए है कि कई बार ये आपकी ये फिंगरप्रिंट को अगर आपका आधा भी लगा है तो भी ये इसको पता कर लेगा और हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम इसको यूज वो कर सकते हैं इस आपके ये फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो चलिए एक बार ये फटाफट इसको ये बूट अप करते हैं और इसमें कुछ ये फेशियल रिकग्निशन ऐड करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे मेरे और ऋषभ भाई के बीच में वो झगड़ा हो गया कि भाई फोन मेरा है और फेस अनलॉक अपना लगा रहे हो तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो मुझे एक चीज अच्छी लगी इसमें यह कि टर्निंग ऑन रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन इज रिकमेंडेड टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ फेस रिकग्निशन। ये बहुत ही खास चीज है क्योंकि आप नहीं चाहते कि जैसे ही अच्छा एक चीज और, इससे पहले की इंटेलिजेंट वो सिलेक्शन ऑफ ये वाईफाई नेटवर्क, ये चीज को मैं ऑन कर देता हूं क्योंकि इसे मैं रियलमी 1 से मैं देख रहा हूं। जैसे ही इसको लगेगा कि आपका वाईफाई थोड़ा स्लो है ये ऑटोमेटिकली सबसे बेस्ट जो आपका सिम होगा जिसका वो नेटवर्क फास्ट होगा ये आपको उसके पास ले आएगा। अब मैं बात करता हूं ये जो हम लोग बात कर रहे थे ऑटो अपडेट, ये तो ओवरनाइट पे वो कर लेता है ये, तो इस मामले में तो देखो यार ओप्पो के फोन्स तो नहीं लेकिन रियलमी 1 के बाद से रियलमी थोड़ा समझदार ये बंदा है। ये जो सबसे खास चीज है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एन ओल्ड फोन और सेट एज ए न्यू रियलमी फोन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसके बारे में मैं और ऋषभ भाई ये बात कर रहे थे बिकॉज इनके पास जो ये पुराना फोन है ये मोटो G5 वो बेचारा मतलब इतना ये बूढ़ा हो गया कि मतलब उसको तो ये पेंशन भी मिलनी बंद हो गई है। तो अब हमने सोचा कि क्या उसमें से डेटा ट्रांसफर वो किया वो जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग यहां पर यह बुकलेट को पढ़ रहे थे। और क्योंकि मुझे ऑलरेडी आदत है क्योंकि मैं इससे पहले जब मैंने Realme 1 यूज किया था तो मैंने अपने इन्फिनिक्स फोन से मैंने Realme 1 में डेटा को ट्रांसफर किया था। जो लोग न्यू हैं उनको मैं ये आपको बता देता हूं कि आप अपने ओल्ड ये मोबाइल फोन से न्यू मोबाइल फोन में आप डायरेक्टली इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर वो कर सकते हैं, मतलब सब कुछ आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और इवन ये इतना इजी है कि आपको सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करनी है क्लोन फोन एंड एवरीथिंग विल बी क्लोन इंक्लूडिंग योर कॉल लॉग्स और जितने भी आपका वो डेटा है। तो अभी हम सोचते हैं कि इसे एज अ न्यू फोन लें या कुछ वो डेटा हमको इम्पोर्ट करना है एज अ न्यू फोन लेना है। ओके तो यहां पे जो इनके ओनर हैं उनकी तरफ से आ गया, तो अब हम कर रहे हैं सेट एज अ न्यू रियलमी फोन 5 कलर OS 5 है, गेट स्टार्टेड वो कर देते हैं हम फटाफट और एक बार देखते हैं। ये देखिए वैसा फोन का जो मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी है ना वो ये लगी है कि कुछ ज्यादा क्लटर नहीं है इसमें। और यहां पे मैं हमेशा वो देखता हूं, यहां पे देखिए टर्न ऑन स्मार्ट असिस्टेंट। स्मार्ट असिस्टेंट मुझे इसलिए ठीक लगा है, ओके जस्ट गॉट अ न्यू फोन व्हाट अबाउट योर ओल्ड डेटा, यार अभी नहीं चाहिए बाद में आके बात करेंगे, ठीक है अभी लाइव जा रहे हैं। तो अगर इस फोन को अगर मैं चेक करूं तो फोन बहुत ही बढ़िया, ये देखिए एक तो आपका जो भी स्टेप ट्रैकर वगैरह है, फोन अगर आप अपनी जेब में रख के भाग रहे हैं तो ये आपके सारे स्टेप्स को ट्रैक करेगा। ये मुझे आई थिंक एक हफ्ता पहले एक ये बंदे ने कहा कि देखो मेरे पास iPhone 6s है और ये मेरे सारे स्टेप्स को ट्रैक कर रहा है।
पहले तो मेरी एमआई की स्मार्ट वॉच उस पर हंसी, फिर आज ये रियलमी 2 प्रो उस पर हंस रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब एक बार चेक करके देखते हैं कि अगर मैं इसको लॉक कर देता हूं तो उसको लॉक अनलॉक करने में कितना वो टाइम लग रहा है। ठीक है, ये मैं यहां पे मैं ये फिंगरप्रिंट रखूंगा और मैं आपको दिखाता हूं। आई थिंक ये एंगल बढ़िया है ये देखने के लिए। देखिए, ये मैंने इसको लॉक कर दिया और मैं यहां पे करूंगा एंड देर विल बी अ वेरी फीबल क्लिक। मैं थोड़ा और ऊपर मैं ले आता हूं। ये देखिए यहां पे ये सेंसर है, बहुत फास्ट है, पर क्या इसका फेस अनलॉक भी फास्ट है। तो फेस अनलॉक पे मुझे अपना गोरो गोरा मुखड़ा थोड़ा सा इधर रखना पड़ेगा और मैं फोन को थोड़ा सा इधर ले जाऊंगा। ये फोन अब मेरा ऐसे यहां पे रखा हुआ है, अब अगर मैं इसे लिफ्ट करता हूं तो क्या ये अनलॉक होगा या नहीं होगा, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। स्वाइप अप टू ओपन, ओके ओके, ये मेरा लॉक हो रखा है। मैं इसे यहां लेके गया, फास्ट तो है लेकिन आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा। हो सकता है मे बी ये कैमरा मेरे बीच में आ रहा हो तो मैं ज्यादा अच्छे से मैं देख नहीं पा रहा। तो ये अभी हम जब मैं और ऋषभ भाई वो 6.1 प्लस और रियलमी 2 प्रो का वो कंपैरिजन करेंगे तो आपके सामने तो आ ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार देखते हैं कि फटाफट इसमें और क्या क्या खास चीजें हैं। यहां पे आपको मिल जाती है ये बेसिक एप्स, वहां पे ये बैकग्राउंड में है रॉकी, तो रॉकी के लिए एक वो थम्स अप यार शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मैं रॉकी को आपके पीछे छोड़ दूंगा। वैसे रॉकी काफी अच्छा इंसान है लेकिन लाइक्स के लिए वो कुछ भी करेगा। ये है इसके सारे फोन मैनेजर, फाइल मैनेजर, ओ रोमिंग, फेसबुक, गेम स्पेस। गेम स्पेस मुझे रियलमी में इसलिए बढ़िया लगता है बिकॉज मेरा भाई वो पबजी का फैन है और जब मैंने इसको रियलमी 1 दिया था डेट वॉज 6 GB वेरियंट, तो हम लोग थोड़े से वो थे कि यार गेमिंग चलेगी या नहीं चलेगी। और यहां पे सेम टू सेम ऋषभ भाई भी गेमिंग के बहुत जबरदस्त फैन है। मतलब हमें याद है हमने एसफॉल्ट 9 की चैंपियनशिप खेली थी लाइव, उखड़ा हमसे कुछ भी नहीं, सॉरी 8 की, हाँ इन्होंने वो सही बताया 8 की, उखड़ा हमसे कुछ भी नहीं, लेकिन सोचो हम मतलब गेमिंग के इतने बड़े फैंस हैं। तो ऋषभ भाई के लिए स्पेशली इसमें गेम स्पेस है जहां पे आप अपनी गेम्स को खेल सकते हो। और जो सबसे खास चीज है इसमें वो ये है कि गेम स्पेस में ये आपके गेम्स को एक तरीके से एक्सेलरेट करता है। अगर मैं यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो शायद अभी तो वो कुछ भी नहीं है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। एंटर गेम स्पेस, गेम स्पेस में ऐड करते ही ये जो भी आपकी, एक सेकेंड मैं आपको यहां पे मैं दिखा देता हूं, यहां पे आउट ऑफ फोकस, ये आसूस का फोन ना वो डब्बा होने वाला है, मतलब जैसे जैसे इसके दिन आ रहे हैं ना वो करने के, अपडेट करने के। यहां पे मैं आपको ये है ब्लॉक बैंड बैनर नोटिफिकेशन ब्राइटनेस लॉक, और यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी गेम को जो कि आप खेलना चाहते हैं। तो जितनी भी आपकी एप्स होंगी उसमें जो भी आपकी गेम्स होंगी या जिसको भी आप एक्सेलेट करना चाहते हैं वो आपको ऑलरेडी इसमें एक्सेलेट हो जाएगा गेम जोन में बुझाने के बाद। सबसे खास चीज एस्थेटिक्स की अगर मैं बात करूं, कैमरा की अगर मैं बात करूं, तो कैमरा में ये देखिए, ओके ये क्या टर्म्स एंड सर्विस, यार हम लोग कुछ भी ऐसा वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैमरा में अगर मैं आपको कुछ एक मैं सैंपल्स, अभी मुझे अलाउड नहीं है, मैं आपको बाद में कुछ वो कैमरा सैंपल्स मैं आपको वो लेकर दिखाऊंगा। अभी एक बार देख लेते हैं यार कि किस चीज की फोटो ले, लाओ ये जो चाकू की फोटो लेकर, चाकू देखिए ध्यान से देखिए चाकू कितना बढ़िया चाकू आ रहा है। और ये देख लेते हैं पोर्ट्रेट मोड में वो चाकू, देखते हैं चाकू की तो निकल पड़ी बॉस। अच्छा हाँ, आप लोगों को कैसे वो दिखाई देगा, ये बात भी सही है। हम लोग ये काम करेंगे, हम लोग इसे बहुत सारी फोटोज को लेके हम आपके सामने ले आएंगे। स्टिकर इसमें बाय डिफॉल्ट है यार, ये बहुत सही है, मतलब कि अब अगर हम स्टिकर्स यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और जो पैनो मोड है वो भी इसमें है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा जो उसका कैमरा सैंपल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम वो दिखा देंगे, लेकिन मुझे जो उसमें अभी एक मेन चीज देखनी है वो ये है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। अगर मैं यहां पे जाऊंगा ये नीचे की तरफ, तो अगर मैं बैटरी में जाता हूं तो देख, पहले मैं सॉरी वो सिक्योरिटी में जाऊंगा। सिक्योरिटी में आपका ऐप लॉक है, वो किड स्पेस है और ये प्राइवेट सेफ है, और एक सिक्योर कीबोर्ड है, और ये वेरिफिकेशन कोड प्रोटेक्शन, स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रिवेंशन, प्रिवेंट बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑडियो इमेजेस, ये सब बहुत ही अच्छे ये फीचर्स हैं जो कि रियलमी ने स्टार्टिंग से ही डाल रखे हैं। अबाउट फोन में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए ये डिवाइस का नेम आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। सबसे खास चीज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और ये मैं इसलिए नहीं बताया बिकॉज बहुत सारे रिव्यूअर्स हैं जो कि इसको बता चुके हैं, मैं सिर्फ एक बार आपको उसका हैंड्स ऑन फील वो दिखाना चाहता था। 6 GB का रैम है, 64 GB में से 46.8 GB आपकी अवेलेबल है, और यहां पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल September 5, 2018 का है, बहुत ही लेटेस्ट है, और खासकर वो टीचर्स डे का तो और भी अच्छा होगा। उसके अलावा जो मुझे इसमें अच्छा लगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स में यहां पे आपके आते रहेंगे अभी बिकॉज कोई भी नेटवर्क का कनेक्शन नहीं है, तो ये है। दूसरा क्वाइट टाइम, क्वाइट टाइम में एक्चुअली आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज इसमें क्वाइट टाइम में ना तो आपको कॉल सुनाई देंगी ना
आपको अलार्म सुनाई देगा, आपको कुछ भी नहीं वो सुनाई देगा। और ये मुझे और मेरे भाई को पता चला 6 महीने बाद, जब सुबह 4 बजे जब ये अपना आप ऑटोमेटिकली जो एनेबल ऑटोमेटिकली है, ये रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक वो क्वाइट टाइम को ऑन कर देता है। और वो कहता था कि भैया मुझे किसी के फोन क्यों नहीं आते। खैर ये है हमारा रियलमी 2 प्रो का एक फर्स्ट हैंड लुक जो भी है। अगर मैं मतलब फोन के बारे में, और अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूं, तो देखिए रियलमी 1 से लेकर अब तक इन लोगों ने काफी सही एक्सेसरीज दी हैं। इस प्राइस रेंज में आप वैसे तो सिर्फ आई थिंक मोटोरोला टर्बो 1 है जो कि आपकी किसी तरीके से आपको टाइप सी यूएसबी दे रहा है, लेकिन जितने भी बाकी फोन हैं वो आपके दे रहे हैं नॉर्मल आपका USB 2 Type-A। और ये आपका बड़ा सा चार्जर है, मतलब देखने में बटन लगे पर चार्ज करे स्लो। तो हम एक काम करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या ये क्वालकॉम 3.0 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है, और अगर ये करेगा तो हम आपको रिव्यू दे देंगे। और दोस्तों हमें इतना झेलने के लिए शुक्रिया, और बहुत जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे इसका एक फुल फ्लेज रिव्यू। और एक्चुअली हम लोग आज एक्सपेक्ट कर रहे थे नोकिया 6.1 प्लस और उन दोनों की हम एक साथ वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा वो डिलीवरी में डिले हो गया। तो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, जय हिंद। और दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका 300 एटॉक्स फैमिली मेंबर्स होने की, उसमें आपको बधाई हो। और बहुत जल्दी हम आपके लिए एक नया धमाका लेकर आने वाले हैं। हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।